तो गाइस यहाँ पे आप फैंटेसी क्रिकेट में जीत नहीं पा रहे, आपका लॉस ही लॉस हो रहा है। तो गाइस मेरे को पता है आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपना प्रोसेस बताता हूँ। गाइस बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइस बस ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। मैं 100% गाइस श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन गाइस शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप अगर स्किप करेंगे या वीडियो को बड़ा बड़ा के देखेंगे तो गाइस आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो गाइस आपका फैंटेसी क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। देखिए गाइस, लॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब लॉस का रीजंस क्या है, लॉस कहाँ से स्टार्ट होता है। जी हाँ, जैसे कि गाइस आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ से सबसे पहले गाइस हम लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए कोई भी मैच है फुटबॉल में, यहाँ से गाइस हम ऐसे ऐसे टीम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आपके सामने मैं अभी टीम क्रिएट कर रहा हूँ, एक फुटबॉल का मैच है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइज जैसे हम टीम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद गाइज हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। सिंपल गाइज कोई भी कॉन्टेस्ट पे क्लिक करके हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। गाइज यहीं तो हम हार जाते हैं, यहीं तो गाइज हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसका खाजमा, जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है लॉस देकर। जी हाँ गाइज, सबसे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि गाइज हम लोग को कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग करना नहीं आता। जी हाँ गाइज, हम लोग मतलब मेरे ख्याल से जो 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 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 95% लोग बस टीम क्रिएट करके ऐसे ही ज्वाइन कर लेते होंगे, और 90% से ज़्यादा लोग मैच जब जैसे लाइन्स अप आती है कोई भी फैंटेसी साइट पे तब ज्वाइन करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही हो। तो गाइज सबसे पहले हमें कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना नहीं आता है, तो कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि गाइज कभी भी आप लाइन्स अप आने के बाद कॉन्टेस्ट ज्वाइन ना करें। इसका रीज़न यही है कि गाइज अपने माइंड से सोचिए, लाइनअप आने के बाद कौन सा बंदा आपका अपोनेंट आएगा, वही बंदा आएगा जो प्रोप होगा, मतलब वो भी तो लाइन्स अप के बाद ही टीम क्रिएट करके लगाया होगा। तो गाइज अब आप एक बस मेरे को बात बताइए, आपका यहाँ जो बंदा अपोनेंट आएगा वो किस लिए आएगा, क्या वो फ्री में पैसा लगाने आपको देने के लिए आएगा? वो इसीलिए लगाएगा क्योंकि वो जीतना चाहता है, वो आपको हराना चाहता है इसीलिए। और जो बंदा आपको हराना चाहता है वो आसानी से नहीं आएगा। ऐसे पता है फैंटेस्टिक क्रिकेट में जितने भी लोग आएंगे आपको हराने के लिए आएंगे। तो गाइज इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए, पहला स्टेप ये है कि गाइज आपको कभी भी मैच के 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ज्वाइन नहीं करना, मैच के 8, 10, 20, 30, 40, 50 घंटे पहले ज्वाइन करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 179 का कॉन्टेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है जो भी स्मॉल लीग में आप कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं। और सबसे पहले गाइज आपको अपोनेंट का लेवल देख लेना है। तो गाइज मेरे ख्याल से ये बात बहुत लोग जानते होंगे, अपोनेंट का लेवल देख के ज्वाइन कर लो, लेकिन गाइज मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप लेवल 1 के अपोनेंट के साथ खेले। आप लेवल चाहे वो लेवल 120 क्यों ना हो, चाहे वो लेवल 200 क्यों ना हो, गाइस बस आपको यहाँ पे पॉइंट कंपेयर करना है। आप जैसे गाइस पॉइंट कंपेयर करेंगे, अगर इधर एक दो मैच में आप उससे विन किए हैं तो गाइज आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो 200 लेवल का ही हो। गाइज एक्चुअली में ऐसा होता है कि बहुत सारे हाई इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना न्यू न्यू मतलब वो छोटा छोटा अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे वो उनको कोई देखेगा कोई अच्छा बंदा कि इनका लेवल लो है, वो उनके कॉन्टेस्ट में घुस जाएगा आसानी से और उनको गाइज हरा देगा। तो गाइज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, पहले इन्फॉर्मेशन। और गाइज अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो रामवान ट्रिक है। जी हाँ गाइज, वो आप समझ लीजिए रामवान ट्रिक है। गाइज एक सेकेंड, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ पे माई मैच में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड यहाँ वीडियो को स्टॉप करके। तो गाइज जैसा कि आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, शायद क्या देख पा रहे होंगे, गाइज यहाँ पे मैंने 9 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं, एक 120 वाला, एक 179, 179, 179, 179, 10, मतलब गाइज अभी भी हमें हाई इन्वेस्ट करना रहता है, हम ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन गाइज यहीं तो हम गलती कर देते हैं, यहीं तो हम हार जाते हैं। गाइज देखिए ये आप देख लिए, बस अभी आप दिमाग में रखिए, ये गाइज देख लिए, मतलब ये इसमें मैं कितना टोटल किया, कम से कम इसको 200 लेके चलते, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, मतलब इसमें मैं लगभग 1000 इन्वेस्ट किया। आप लोग देख सकते हैं 179 चार मेंबर ज्वाइन किया। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैच था, और आपको गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब मैं सिर्फ दिखा दूंगा आप लोग समझ जाएंगे कि भाई क्या ट्रिक बताया है, मतलब ट्रिक नहीं मेरे ख्याल से बहुत लोग को नहीं पता होगा। और गाइज यहाँ पे देखिए 120 में 480 गाइज, आप बस अभी देखते रहेंगे गाइज। तो गाइज आपके सामने जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, देखिए 77 में, मतलब भाई कोई बाप किसी का बाप नहीं हरा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे।
तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मैंने इस मैच में 5,000 विनिंग की थी, जिसमें से बस ज़्यादा नहीं 1,500 या 1,600 गाइज मैंने इन्वेस्ट किया था। तो गाइज इसका रीज़न क्या है गाइज, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि हम कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, थ्री समझिए गाइज, मैं यहाँ पे 1,000 लगा रहा हूँ, तो गाइज मैं 1,000 लगा रहा हूँ, इसमें 3 मेंबर आ रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले हम जैसे बड़ा मनी इन्वेस्ट करते हैं, हमें कोई हाई इन्वेस्टर आ जाता है और वो हमें बहुत ही कंपटीशन देता है, जिसके कारण हम लोग नहीं जीत सकते। पहला कारण कॉज यही है कि भाई हाई लगाएंगे तो हाई अपोनेंट आएगा, चाहे उसका लेवल दूसरा भी हो। तो गाइज इसका सोल्यूशन क्या है, तो गाइज सोल्यूशन यही है कि जैसे आप समझिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 400 गाइज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गाइज कभी भी आप 400 की एक लीग ज्वाइन ना करें। 400 की मतलब जितना छोटा बड़ा सब लीग ज्वाइन करें गाइज, उसका रीज़न यही है। जैसे कि गाइज यहाँ पे मैं आज समझिए मेरी टीम बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 299 का ज्वाइन कर लिया है गाइज। अगर ये बंदा ये जो सेकेंड नंबर पे आया है गाइज, अगर इसकी टीम अच्छी चली जाती थोड़ी सी और ये सब खराब जाता, थर्ड फोर्थ हम मेरे को कंपटीशन नहीं दे पाता, अगर ये कंपटीशन दे पाता तो गाइज क्या होता। जैसा कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल में लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे एक लाइव मैच है। तो गाइज यहाँ पे बस आप मेरी बातों को समझिए, आपको कोई नहीं हरा सकता है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 63.25, 64 गाइज यहाँ पे मैं 1 पॉइंट से हारा हूँ। आप बस अपने दिमाग से सोचिए, अगर इतने रुपए का अगर मैं इतने रुपए का 4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता तो गाइज मैं 100% श्योर था कि मैं 3 कॉन्टेस्ट जरूरी वॉन करता। एक ही कॉन्टेस्ट में इतना हाई कॉम्पिटिशन, इतना हाई कॉम्पिटिटर ये टीम बना के आ गया, लेकिन गाइज बहुत सारे लोग नहीं। अगर गाइज यहाँ तक तुम आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी गाइज, यहाँ तक कि मतलब मैं एक दिन मेरा बहुत ही ख़राब टीम गया था और मैंने 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे और गाइज मैं उसमें से 8 कॉन्टेस्ट जीत लिया था, मेरे को उस मैच में प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो गाइज मैंने ये उसमें नोटिस किया कि मेरी टीम अच्छी नहीं बनी। ऐसे ऐसे कितने लोग थे जो मेरे से भी मतलब मेरी टीम से भी गए ख़राब टीम गाइज उनका बना था। तब मैं समझ गया कि गाइज कभी भी मतलब ये मैं हमेशा ये ट्रिक इस्तेमाल करता रहता हूँ, और जहाँ तक आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपना बराई नहीं करता हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही चाहता तो बोलता मेरा नाम ये है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन गाइज ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। गाइज आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, मैं ग्रैंड लीग विनर हूँ। जी हाँ गाइज, मैंने मेगा कॉन्टेस्ट में बहुत बार विनिंग किया हुआ है। मेरा हाइएस्ट रैंक गाइज आया था 5 और 6। तो गाइज इस वीडियो में बस मैंने एक ही ट्रिक बताया कि आप मैच के 24 घंटा पहले ज्वाइन करें, और कभी भी हाई इन्वेस्ट में एक ही लीग ज्वाइन ना करें। एग्जांपल में आप एक लीग ज्वाइन कर लीजिए, अगर उसमें हाई कॉम्पिटिटर मिल गया तो आप हार गए। अगर वही आप 4, 5, 6, 7 लीग ज्वाइन करेंगे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 में मिलेगा, पूरा में तो गाइज हाई कॉम्पिटिशन नहीं ना मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ लेकिन गाइज मेरा फर्ज है दिखाना। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, ये बहुत ही छोटा टेलीग्राम चैनल है। जी हाँ गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम जो गाइज टीम देते हैं वो क्या हार्ड होता है गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त हमेशा टीम देते हैं, और गाइज बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन स्वीप होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी गाइज कोई हमें कॉम्पिटिशन नहीं दे पाता है। मैं तो ये गाइज ये आपको नहीं बोलूँगा कि आप मेरे को जानते नहीं है तो आइए मेरे टेलीग्राम टीम से। बस गाइज आप एक मौका दीजिए, बिल्कुल फ्री में गाइज आपको टीम मिलेगी, बिल्कुल प्राइम व्राइम कुछ नहीं है, बिल्कुल आप एक बार आए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं फैंटास्टी बाई आशीष वर्मा। तो गाइज आप जैसे ही एक टीम मेरी एक हमारी टीम के साथ खेलेंगे, मैं 100% श्योर हूँ आप डेली डेली मेरी ही टीम से जाएंगे, आप हारे या जीते आप मेरी ही टीम से जाएंगे, मैं इतना श्योर हूँ। गाइज ये नहीं बोल रहा कि आप हमेशा ज्वाइन कीजिए, बस एक बार ज्वाइन कीजिए और बस हमारी एक टीम के साथ एक ही लीग ट्राई करें, लेकिन ट्राई करें। तो गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो कि गाइज थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खेलिए। इसमें मतलब ये जो श्री MSD बोलते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी, खेलो दिमाग से। जी हाँ गाइज ये दिमाग का ही खेल है, और गाइज जो भाई का यहाँ एक्सपीरियंस होता है उसका दिमाग बोलता है। और गाइज आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो गाइज बहुत ही अच्छा। तो गाइज यहाँ पे वीडियो अब मैं स्टॉप करता हूँ। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज आप एक बार हमारी टेलीग्राम टीम को भी ट्राई कीजिएगा। मैं मतलब श्योर हूँ कि आप पक्का बहुत ही अच्छा विनिंग करेंगे हमारे साथ। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।